किसी ने एक सवाल किया, इज इट नेसेसरी टू कवर फीट ड्यूरिंग सलाह, औरतों की तरफ से सवाल है, क्या पंजा पैर का सामने का हिस्सा, क्या नमाज के अंदर औरतों को ढकना जरूरी है? तो देखिए इस मामले में जो उलमा की दो राय है, लेकिन राजे भी रख देता हूँ, एक राय तो ये है जो बहुत कलील थोड़े से उलमा की, वो ये कि पैर भी ढाका जाएगा, लेकिन ये राजे नहीं है, मतलब सब ने नहीं कहा, लेकिन हाँ ऐसे उलमा है जिसने कहा पैर भी ढाके जाएंगे और हाथ भी ढाके जाएंगे, ठीक, लेकिन ये राजे मसला नहीं। राजे मसला इस मामले में ये है कि पैर उमूमन पंजे का वो हिस्सा जो उमूमन खुला होता है औरत के लिबास का हिस्सा भी, मतलब लिबास में भी नहीं ढकता है, और उमूमन खुला रहने से मुराद क्या है मालूम, ये आप देखिए जब वो सलवार वगैरह जो भी जो कपड़ा होता है आके ढकता है, तो सिर्फ समझो ये पैर है पूरा, ये ऊपर जाता है यहाँ से, तो इतना हिस्सा खुला होता है, मतलब उंगलियां और उंगलियों के बाद का थोड़ा सा हिस्सा दिखता है, लेकिन अगर सजदे में चले जाए तो पूरा पीछे का पंजा दिखता है, वो सामने का हिस्सा तो उतना ही दिखता है, इतना ढका हुआ है पैजामे वगैरह जो भी पहनते हैं, पीछे का तलवा दिख जाएंगे जब सजदे में जाएंगे, तो उनका कहना है कि इतना खुला रह सकता है और हथेलियां इतनी ये खुली रह सकती है, जैसा जो बुरखे की हालत में है, पर्दे का मसला है कि पर्दे में हथेलियां और पैर का हिस्सा सामने का खुला हो सकता है, उतना वो कहते हैं नमाज में भी दुरुस्त है, तो नमाज में चेहरा खुला रहेगा औरत का, हाथ खुले रहेंगे, और पंजे का उतना हिस्सा जो कपड़े से बाहर उमूमी होता है, हाँ अलग बात है जब सजदे में जाते हैं तो पिछला खुलता है, लेकिन सामने का तो उमूमी उतना है, उतना खुला रह सकता है इंशाल्लाह, ठीक है, उतना इंशाल्लाह अजीज खुला रह सकता है, तो इस बात का वो करे, लेकिन कुछ उलमा की फतावे मैं जानता हूँ मौजूद है, उन्होंने कहा पैर भी हाथ भी ढकना जरूर, लेकिन वो राजे मसला नहीं, चंद उलमाओं का बहरहाल वो कौल है। दूसरा उन्होंने आगे सवाल किया, अच्छा शुड वी नीड टू वेयर सॉक्स, उन्होंने उसी सवाल में आगे किया था क्या हम फिर सॉक्स पहने, तो बहरहाल मैं ये कहूंगा कोई पहन ले तो बेहतर है, लेकिन ना भी करे तो दूसरे को आप वो नहीं कर सकते कि मैं अफजल हूँ और तुम मफजूल है, क्योंकि राजे मसला तो वो है कि खुला रखा जा सकता है। आगे उन्होंने सवाल किया, अस्सलाम वालेकुम, आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के ज़रिए, डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट्स पर क्लिक करें, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बने, रोजाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकअल्लाह।